तो देखो, पहले तो गुरुकुल है क्या, पहले इस चीज को समझो। गुरुकुल एक एम है। गुरुकुल क्या है? गुरुकुल एक एम है जिसमें अपना टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर सक्सेसफुली बनना चाहते हो, तो आपको 4 महीने का इंटर्नशिप करा के पूरी तरीके से आपको तैयार कर दिया जाए। किस पर्सपेक्टिव से? अगर आपको कोई लाइव प्रोजेक्ट मिल जाए, उसको स्टैट प्रोप एनालिसिस करना, ईटैप पर एनालिसिस करना, एक्सेल शीट से चेक करना, उसके अलावा ऑटो कैड से उसकी ड्राफ्टिंग करना, रैबिट से मॉडलिंग करना, मतलब एक कंप्लीट पैकेज हो जाए। कोई भी इंसान अगर चाहता है कि मुझे एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर बोला जाए, कैसे बोला जाएगा? उसके काम से ना। तो यहाँ पर कौन कौन से आईएस कोड पढ़ना है, आईएस कोड पढ़ा दिया जाता है। विंड क्या है, विंड का इफेक्ट क्या पड़ेगा, सिस्मिक का इफेक्ट क्या पड़ेगा, मतलब कुल मिला के आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। जैसे अभी आप बोलते हो ना कि मैं सिविल इंजीनियर हूँ, आपके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि अपना गुरुकुल का कॉन्सेप्ट ही यही है। एक फीलिंग आनी चाहिए कि नो, आई एम अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं प्राउडली कह सकूँ कि मैं स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। अब स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है आज के टाइम पे? ठीक है, सिर्फ कहने से नहीं होगा ना। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है? स्ट्रक्चर इंजीनियर वो है जिसके पास एक अच्छा ऑटोकैड का नॉलेज है, कोई भी बिल्डिंग का कैसा भी बड़ा सा बड़ा प्लान हो उसको कर सके वो। स्ट्रक्चर इंजीनियर कौन है? एक अच्छी सी कॉलम का सेंटर लाइन पूरी एनालिसिस करके दे सके पूरी बिल्डिंग का, कि कहाँ पर कितना लोड आ रहा है, ठीक है, कौन कौन से लेटरल इफेक्ट यानी हॉरिजॉन्टल इफेक्ट, सेस्मिक, विंड, क्या क्या उस पर इफेक्ट कर रहा है। डायनेमिक एनालिसिस करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर एनालिसिस क्या होगा, पी डेल्टा इफेक्ट्स क्या होगा, टाइम स्टी एनालिसिस क्या होगी, मतलब उसके अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को, छोटी से छोटी बिल्डिंग को उसकी हम डिज़ाइन करके दे सकते हैं सर। और डिज़ाइन केवल स्टैट पे नहीं करके दे देंगे, स्टैट पे भी करके दे सकते हैं, ईटैप पे भी करके दे सकते हैं, सेप पर उसकी फुटिंग और स्लैब डिज़ाइन करके दे सकते हैं, एक्सेल शीट से चेक कर सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन आ गया तो मैनुअली कर सकते हैं। उसके अलावा मैं थोड़ा बोनस में मॉडलिंग भी सिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली वो दिखेगा कैसे, ठीक है। तो अपना एम क्या है? एक एम तो छोटा एम ये है कि भाई जॉब पाना है। उसकी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा दूंगा उसके बाहर से नहीं पूछ पाएगा कोई, इसकी गारंटी है, क्योंकि 7वां साल हो चुका है मेरे एक्सपीरियंस को, तो उसका तो टेंशन नहीं है। लेकिन अपना गुरुकुल है ही केवल जॉब पाना है, अपॉर्चुनिटी नहीं है इसके अंदर। ये गुरुकुल एक ऐसा ब्रशअप है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए तैयार करा देता है, 3-4 साल के लिए, 5 साल आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उसको रिवीजन करते जाओ, अपना ग्रोथ लेते जाओ। सपोज आपने स्टैट प्रो पे काम स्टार्ट कर लिया, अब आपके पास अपॉर्चुनिटी और ग्रो करने के लिए ईटैप आपको सिखा दिया है, सेफ सिखा दिया है, ठीक है, मैनुअल सिखा दिया है, एक्सेल सिखा दिया है। और ये सब कैसे सिखाए जाते हैं पहले ये समझो, ठीक है, क्योंकि कई लोग ना इंस्टीट्यूट वगैरह में ऑटो कैड वगैरह या फिर स्टैट प्रो वगैरह सीखे होंगे, यहाँ पर वो नहीं सिखाया जाता है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि भाई ये बेसिक है, आप समझो, पूरा का पूरा बेसिक्स करा दिया, उसके बाद डायरेक्ट दे देते हैं आपको प्रोजेक्ट, ठीक है। आपको पता है मेरे खुद के बहुत ढेर सारे प्रोजेक्ट हैं, आप करते करते थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे प्रोजेक्ट। उन प्रोजेक्ट्स पे हम लाइव करते हैं, लाइव करने के बाद उसके बाद जो आपके वार्निंग्स और एरर आते हैं, ठीक है, बेसिकली अपना जो गुरुकुल है ये 5 घंटे का सर्विस मांगता है। मिनिमम 4 घंटे अगर कोई नहीं दे सकता है तो उसे गुरुकुल ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि इस 4 घंटे का कैसे प्रोग्राम रहता है, 1.5 घंटे मैं डेली लाइव रखता हूँ, जिसमें से 1.5 घंटे लाइव में क्या रहता है, आधे घंटे आपको मैं स्ट्रक्चर्स के इंटरव्यू के लिए तैयार करता हूँ। मतलब आज सिस्मिक एनालिसिस के टॉपिक पढ़ाया, कल विंड पढ़ाया, परसों सीयर फोर्स, नर्सों बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, ऐसे आधा आधा घंटा करके 4 महीने तक। तो ये आधा घंटा फिक्स होता है। नेक्स्ट जो आधा घंटा होता है, इसमें आपको प्रोजेक्ट दे दिया रहता हूँ, सब आज डेली प्रोजेक्ट में दूंगा। सपोज आज प्लान करने को दे दिया, कल आपका प्लान चेक करूंगा, जो उसमें गलती है उसको ठीक करूंगा। ये हो गया 1 घंटा। नेक्स्ट आधा घंटा आपका होता है जिसमें जितना मन भर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है, टफ से टफ क्वेश्चंस अपना ला के उसको क्लियर कर सकते हो, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो ये हो गया अपना 1.5 घंटा। इसके बाद खत्म नहीं होता काम, इसके बाद आपको 1.5 घंटे का वीडियो लेक्चर मिलता है, क्योंकि आपको पता है ना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग इतना बड़ा है, ठीक है, इसको ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक दिन में हो जाए। तो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो लेक्चर मिलेगा जिसको घर से वॉच करना पड़ेगा। तो 1.5 घंटे अपना, 1.5 घंटे वीडियो लेक्चर्स, 3 घंटे। उसके बाद कम से कम 2 घंटे का प्रैक्टिस सेशन दिया जाता है, मतलब प्रैक्टिस प्रोजेक्ट दिया जाता है करने के लिए। तो टोटल हो गया 5 घंटे। अगर किसी के पास 5 घंटे हैं 4 महीने के लिए, वही ज्वाइन करे तो बेटर है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को मैं देखता हूँ वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और एक चीज़ और बोलूँ क्या, गुरुकुल की आपको सच में ज़रूरत नहीं है अगर कंसिस्टेंसी बन जाए तो।
गुरुकुल पता है किस किस के लिए हेल्प करता है? सपोज आपने स्टैट प्रो का, आपने सभी लोगों ने ऑल इन वन ले रखा होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है, ठीक है, ऑल इन वन सब दिया है। बस प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर एक प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, गलती से उसमें एरर आ गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, अब किससे पूछे? तो वहाँ पर मेरी मेंटरशिप आपको काम देगी, हेल्प कराएगी, ठीक है। दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि गुरुकुल ही क्यों करें सर, ठीक है, आप आधा घंटा आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन करा दिया, आधा घंटा हमने आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ लिया, आधा घंटा आपने नया टास्क हमारा चेक कर लिया, इससे क्या हो जाएगा? भाई सीधी सीधी बात है, जो डेली 5-5 घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देगा, वो खुद में, मेरी खुद की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से ही वो परफेक्ट हो सकता है। बस प्रॉब्लम ये होगी कि उसको हर जगह हेल्प की नीड होगी, प्रोजेक्ट कर रहा है, एरर आया, फंस गया, ठीक है, तो मैं एक तरीके से उसको धक्का देने का काम करूंगा पीछे से कि भाई मैं हूं, तुम टेंशन मत लो, तुम करो, ठीक है, यही मेरा मेन काम है। तो एक्चुअली एक तरीके से बोला जाए तो मैं मेंटरशिप कर रहा हूं, ठीक है, आपकी मेंटरशिप कर रहा हूं। हाँ, इसके साथ में आपको और क्या करवा देता हूं, आपको हर हफ्ते, आप लोगों ने कुछ वीडियोज़ देखे होंगे यूट्यूब पर, मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ आपके, और वो बहुत काम के हैं। आप बोलो सर मॉक इंटरव्यू का क्या काम होता है? मॉक इंटरव्यू से क्या होता है कि आपको आपके अंदर बोलने की जो झिझक होती है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। आपको बोलना इंट्रोड्यूस सेल्फ, व्हाट इज स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, व्हाट इज शियर फोर्स, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट, क्रैंक क्यों देते हैं, रेनफोर्समेंट क्यों देते हैं, रेनफोर्समेंट का कितना परसेंटेज, बोल बहुत सी चीज़ें, इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन हियर, लेकिन मैं आपको हर फ्राइडे को मॉक इंटरव्यू ले लेकर ब्रशअप कर देता हूँ, और इससे आपकी झिझक अंदर से खुल जाती है कि भाई सर ने इतना पूछ रखा है, अब कहीं इंटरव्यू पूछेंगे तो वही क्वेश्चन तो होगा, और ये फिक्स रहा है अब तक में, रिकॉर्ड रहा है, अभी ये वीडियो यूट्यूब पे भी जाएगा, लोग देखेंगे कि जितना मैंने बता दिया है, मॉक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया है, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ पाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये तो हो गया मॉक, केवल इंटरव्यू जो आप कंपनी में जाते हो ना, केवल मॉक नहीं होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो सर थ्योरी थ्योरी, मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि अपना सेशन में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। आप कहीं पर भी जाओगे तो वहाँ पर थ्योरी तो पूछेंगे यहाँ पर ये तो पूछेंगे कि भाई क्या बोलते हैं, कौन सी चीज़ क्या होती है। उसके बाद सुबह अपना माइक बंद कर लेना, कैमरा भी बंद कर लेना, अभी के लिए थोड़ी देर बाद ऑन कर लेना, सुबह में याद हो। तो ये तो हम लोग देखेंगे ही कि भाई शियर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आता है, वो नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी, एक मिनट, कुछ लोग अभी एडमिट आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये आती है, हसन अपना माइक ऑफ कर लेना, वीडियो ऑफ कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है कि कंपनी के अंदर कैट टेस्ट होता है। क्या होता है? कैट टेस्ट होता है। तो यहाँ पर हर एक 15 दिन पे हम लोग क्या करते हैं, कैट टेस्ट करते हैं। मतलब मैं आपको एक ड्राइंग दूंगा स्टेट प्रो पे, उसको आपको उसकी ग्रिड बनानी पड़ेगी, ग्रिड बना के टाइम पीरियड के अंदर उसकी एनालिसिस करके डिज़ाइन करना पड़ेगा, एनालिसिस करके उसकी पूरी डिज़ाइन करनी पड़ेगी। उसका टाइम फिक्स आर होगा, मतलब 45 से 50 मिनट का टाइम दिया जाता है, जो जितना फास्ट कर लेता है उतना ज़्यादा और नंबर अचीव करता है, और डेफिनेटली जो अच्छा रैंक करता है उसको हमारे तरफ से बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी आपको ट्रेनिंग के बीच में मिलते रहेंगे। तो ये तो हो गया ये। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि सैटरडे संडे में जिस भी दिन हम लोग को लगता है इफेक्टिव, उस दिन MCQ क्वेश्चंस करते हैं। क्यों? जितनी बड़ी MNCs होती हैं वहाँ पर MCQ टेस्ट होते हैं। हर एक बड़ी MNC में MCQ जरूर होगा। तो MCQ में क्या होगा, जैसे सपोज की टाइप्स ऑफ एरे इन ऑटोकैड, कई लोग को पता होगा, कई जगह 4 दे दिया 3 दे दिया। हसन अपना वीडियो ऑफ कर देना, नहीं तो कुछ लोग डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। वीडियो तुम्हारा ऑन है, वो जो बीच में कैमरा है उसको बंद कर दो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, MCQ की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो एक तरीके से अगर बोला जाए तो गुरुकुल क्या है, गुरुकुल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर आपने 4 महीने खुद को तपा दिया, तपाना पड़ता है दोस्ती, आसान नहीं है गुरुकुल को करना। 4 महीने जिसने 5-5 घंटे डेली दे दिया, बिलीव करो वो परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परफेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए आप ऑलरेडी, मैंने बोला ना कि आप वीडियो कोर्स से भी ये काम कर सकते हो, ऑल इन वन इज़ द सी इफेक्टिव, बट बार बार आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए मेरी मेंटरशिप होती है इसमें, और इसके लिए बहुत नॉमिनल फी भी हम लोगों ने रखा हुआ है, दैट इज 20,000, जिसमें भी ऑल इन वन जो है वो आपको लाइफ टाइम के लिए दे दिया जाएगा। इसके अंदर जिसके पास है उसका फी माइनस हो जाता है, और उसके अलावा जो अपना क्लास की रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो टाइम से थोड़ा 1-2 मिनट लेट आए, 5 मिनट आए, तो रिकॉर्डिंग दे देते हैं, वो भी 5 साल के लिए दे देते हैं, तो आप बार बार उसको रिकॉर्डिंग को रिकॉल कर सकते हो कुछ छोटा। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट गुरुकुल। अब मैं थोड़ा सा रिटेन में दिखाने जा रहा हूँ कि हम लोग का एग्जैक्टली एम क्या है, उसके बाद हम तुम्हारे क्वेश्चन लेंगे, जो भी तुम्हें डाउट होंगे यू कैन आस्क वन बाई वन।
एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज बताना तो भूल ही गया मैं, एक चीज ये है कि आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों के कॉन्फिडेंस लूज रहते हैं, तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है। स्पीकिंग की प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको डेली टॉपिक दिया जाएगा, उसके लिए एक दूसरी एक टीचर है, तो वो आधे घंटे आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। सपोज आज दे दिया डाउरी, परसों कल दे दिया कि क्या बोलते हैं अलग अलग टॉपिक, सब उनके वो समझेंगे। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, खुद बोलना पड़ेगा। बोलने से क्या होगा, आपकी हेजिटेशन दूर होगी। ये गुरुकुल के अंदर आपको कराया जाता है हर एक पर्टिकुलर बैच को। अब थोड़ा सा देख लेते हैं रिटेन रूप से, क्योंकि आज के टाइम में सब कहते हैं ना रिटेन, ठीक है। तो रिटेन में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में होता क्या है। सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल जो होता है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एम समझो, अगर आप एक ऑफिस जॉब लेके अच्छी लाइफ स्टाइल बनाना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस जॉब की बात होगी, स्टाइल बनाना चाहते हो, तो आओ मेरे साथ। जितना मेहनत कर लोगे उतना ऊपर पहुंच जाओगे, ये बात 100% फैक्ट है, पहुंचा दूंगा। अगर मानते हो मुझे अपना मेंटर, करते हो ट्रस्ट, तो याद रखना आपको मेंटर कभी आपका ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। मैं आपको जितनी प्रॉमिस कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा दूंगा, इससे कम का कोई चांस नहीं है, ये फिक्स है। और शायद इसी वजह से तुम लोग इतना मुझे प्यार करते हो, ठीक है। अभी जो इसके अंदर हम लोग सीखते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर मुझे बताना भी पड़ता है कुछ लोग को, तो यहाँ पर ऑटो कैड सीखते हो आप, स्टेट प्रो, आरसीडीसी, ईटैब, सेफ, मैनुअल, एक्सेल, रैबिट आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर्स, ऑल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट एज पर इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, मतलब आईएस कोड से इसके अंदर सब आ जाता है, ठीक है। सीयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, मैनुअल डिजाइनिंग्स, बीम का डिजाइनिंग, कॉलम का डिजाइनिंग, फुटिंग का डिजाइनिंग्स, कैसे रेनफोर्समेंट को ड्रॉ करेंगे, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन एक स्ट्रक्चर इंजीनियर को जो जो आना चाहिए, उसका मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कि क्या क्या आना चाहिए, वो सब कुछ इस ट्रेनिंग में मैंने ऐड किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। आपको इसके बाद ये नहीं लगेगा कि यार मेरे को स्ट्रक्चर इंजीनियर तो मैं बोल रहा हूँ बट अंदर से लग नहीं रहा है, ठीक है। मुझे, मैं कई जगह लिखता हूँ इंजीनियर आकाश पांडे, तो एक दिन मेरा एक दोस्त बोलता है कि यार तुम इंजीनियर लिखते हो, और मुझे लगता नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ इसलिए मैं नहीं लिखता। मैंने बोला भाई मैंने इतनी स्टडी की हुई है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इंजीनियर खुद को बोल सकता हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत तो नॉलेज है मेरे अंदर जो इंजीनियर के पास होना चाहिए। तो आपके अंदर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये फिक्स है। ट्राई टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, हमारा यही टारगेट है। इसके लिए कम्युनिकेशन, मॉक, जो जो हो सकता है सब करता हूँ। फोकस ऑन ईच स्टूडेंट्स पर्सनली फ्रॉम ईच एंगल्स, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये मेरे छोटे भाई और बहन की तरह हैं, ठीक है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, तो 4 महीने में उसको बेस्ट से बेस्ट मेंटरशिप पर्सनली, ठीक है। मैं एक एक बच्चे को, उसको अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं खुद ही उसके लिए जॉब सर्च करके, उसका रिज्यूम एडिट करवा के, पोर्टफोलियो बनवा के, उसके लिए पर्टिकुलर हेल्प करता हूँ। और ये आप सबको, कई लोगों को मेरी हैबिट पता होगा पहले से, तो ये जरूरी नहीं कि गुरुकुल का हो, मेरा स्टूडेंट हो कोई भी। ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी, हमारा काम क्या है यहाँ पर, कंसिस्टेंसी आपका मेंटेन करवाना। आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन खुद से आप करते हो डेली 5 घंटे, आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन अगर मैं डेली प्रोजेक्ट दूंगा तो आपको करना मजबूरी होगा, क्योंकि इसका सब मतलब कि जो अपना टारगेट है, वो टारगेट ये है कि जो 80% रेगुलर नहीं रह पाएगा, उसको हम हमारे तरफ से कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देंगे, मतलब 80% कंपल्सरी है आपका क्लास अटेंड करना। अब देखो इसमें कुछ ऐसे कैसे सिचुएशंस, बीच में किसी को भगवान ना करे कभी हो, कुछ ऐसे जेन्युइन रीजन है, दैट इज अनदर थिंग्स। किसी का जॉब लग गया वो एक अलग चीज़ है, वहाँ पर हम मैनेज कर लेते हैं, बट जो घर पे है और सिर्फ फोकस किया पढ़ने पे, वो अगर 80% अटेंडेंस नहीं दे रहा है तो हम उसे कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं देंगे। एडमिशन के पहले ही बता देते हैं, क्योंकि हमको ओनली 20 बच्चों की ही सीट रखनी होती है। कितनी? 20। और अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लगभग 10 लोग सीट फुल कर चुके हैं, केवल 10 ही सीट और रखनी है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 80% जिसका अटेंडेंस रहता है उसको सर्टिफिकेशन देंगे, 4 मंथ का इंटर्नशिप लेटर प्लस सर्टिफिकेट। और वो आपको इतना हेल्प करेगा कि आपका फ्रेशर का टैग तो खत्म ही कर देगा। किसी का ईयर गैप वगैरह होगा, डायरेक्ट हम इतना डिटेल में आपको इंटर्नशिप दिखा देंगे, इंटरव्यूअर को लगेगा ये तो एक्सपीरियंस वाला बंदा है। इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन मेरा काम है, वो मैं कराऊंगा, सिर्फ जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा। ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फियर्स, ठीक है। मैं यही कोशिश करता हूँ कि इंटरव्यू का डर खत्म हो जाए, उसके लिए हर हफ्ते आपको परेशान कर दूंगा। क्यों? हर हफ्ते आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपके अंदर एक हैबिट बन जाएगी आंसर देने की। वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी, मैं बताता रहता हूँ पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चल रही है, उसको वहाँ पर क्या पढ़ के जाओगे तुम्हारा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, ये सारी कोशिश मैं करता रहता हूँ। कुछ
प्रॉब्लम है जो गुरुकुल के अंदर है, पहली प्रॉब्लम यह है कि डेली टास्क करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। डेली टास्क दूंगा और डेली सबमिट करना होगा और डेली चेक करूंगा, जो गलती होगी क्लास में तुम्हारे सामने ही बता दूंगा। डेली वीडियो दूंगा, उनको स्टेप वाइज सीखना होगा एंड उसके अकॉर्डिंग टास्क मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। सपोज आज आपको ऑटो कैड के 2 लेक्चर्स वॉच करने को दिया मैंने, तो उसके बेस पर ड्राइंग रहेगी, तो ड्राइंग वही बना पाएगा जो 2 लेक्चर कंप्लीट किया रहेगा। तो ये हमने सब स्ट्रेटजी हमारे पास बनी हुई है, जब आप क्लास करोगे तो देखोगे। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मजबूत करने के लिए आपको PDF मिलेंगे, उसको साथ में टेस्ट होंगे उसके। सपोज मैंने आपको आज 5 PDF दे दिया कि ये चीज़ आना चाहिए, उसके बेस पे आपको एक टेस्ट रख देता हूँ, तो वो टेस्ट आप दोगे। अब वो टेस्ट वही अच्छा कर पाएगा जो 5ों को पढ़ा रहेगा, तो मेरा काम है, मैं कर लूँगा। उसमें से जो टफ पोर्शन रहेगा मैं खुद एक्सप्लेन करूँगा। वीकली आपका मॉक इंटरव्यू होगा जिसमें HR राउंड, टेक्निकल राउंड दोनों ही मैं ही लूँगा, और आपको फीडबैक दूंगा कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 10। लाइव कैट टेस्ट होंगे, मतलब मैं आपको एक ड्राइंग दूंगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, स्टेट प्रो पे, ई टैब पर, ऑटो कैट पर, आपको उस टाइम में सबमिट करना पड़ेगा और मैं लाइव रहूँगा आपके साथ। जब आप बेटर करने लगोगे तो आपको लाइव प्रोजेक्ट भी मिलने लगते हैं यहाँ पर, मतलब मेरे खुद के प्रोजेक्ट मैं देने लगता हूँ आपको। इंटरव्यू का सजेशन मैं खुद दूंगा, कहाँ कहाँ चल रहा है, सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे, साथ में उनको कैसे इंस्टॉल करना है वो सब मेरा काम है, मैं बता दूंगा। 4 मंथ का इंटर्नशिप जो आपको बता दिया, सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बाकी ये सब थोड़े से और चीज़ें हैं कि जैसे कि लैपटॉप आपके पास होना चाहिए, 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, ठीक है। फ़ी जो है वो मैंने 20,000 रखा था, एक्सपीरियंस वालों को 40,000, बट अभी सबके लिए ही 20,000 कर दिया। और ट्रेनिंग जो होता है ये 4 मंथ की टोटल रहती है, इंटरनेट आपका होना चाहिए, मतलब ज़रूरी नहीं मोबाइल का इंटरनेट भी चलेगा, कंप्लीट ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है। 15 बच्चे पहले रहते थे, बट 15 बच्चे एक ऐसा होता था कि बीच में कोई कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाए थे, अभी इसलिए 20 का रिकॉर्ड रख दिया है। और उसके बाद आ जाओ, काम मेरा है, सब कुछ मैं आपको कराऊंगा, पूरा स्ट्रक्चर्स की ईच एंड एवरी डिटेल्स। अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो आओ, मैं कर दूंगा। कई लोग सोच रहे हैं कि सर इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होगा, तो आई डोंट थिंक कि कंटेंट की नीड है, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि स्ट्रक्चर इंजीनियर मेरा बनाना काम है। बट आपको चाहिए तो मैंने तैयार किया हुआ है, मैंने मतलब मेरी टीम ने तैयार किया हुआ है, इसमें आप इसको मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, पढ़ लेना कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या रहता है गुरुकुल में। तो गुरुकुल ये है, आपकी जो A to Z स्ट्रक्चर्स कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन, कैट टेस्ट, मॉक टेस्ट, एवरीडे लाइव प्रोजेक्ट टास्क, ये सब मेरा काम है। और उसके बाद ये सब नीचे यहाँ पर सिलेबस पढ़ लेना कि ऑटो कैड में क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, स्टेट प्रो में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ETF और सेफ में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब आपको एकदम डिटेल में सब पता चल जाएगा। रेबिट में क्या पढ़ेंगे, उसके बाद नीचे मैनुअल में क्या पढ़ेंगे, कंप्लीट टास्क यहाँ पर दे रखा है, तो ये मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आराम से इसको घर बैठ के पढ़ लेना, कोर्स में क्या क्या है अपने, ठीक है। मेन क्या है वो आपको दिखा दिया, ये है गुरुकुल के बारे में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट गुरुकुल, होप काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, कुछ डाउट भी होंगे तो हम लोग एक एक करके सबके डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो किस अपना अपना क्वेश्चन 1 by 1 पूछ लो। आकांक्षा कोई डाउट है आपको, अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो। सब कुछ समझ में आ गया, मतलब पूरा प्रोसेस समझ में आ गया ना, ओके। और किसी को कुछ डाउट है, शुभम कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, चिन्मय सभी अपना डाउट पूछ सकते हो कि सर मेरा करियर में ये चीज, ये ईयर का गैप है, क्या मुझे करना चाहिए, कुछ ऐसा है कि आपने जस्ट फ्रेशर हो। हेलो हेलो हाँ मुझे सर, वो पूछ रहे थे जो गुरुकुल पे जितना भी सॉफ्टवेयर यूज होगा उस सिस्टम का मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा। कम से कम 8 GB रहेगा तो अच्छा रहेगा, 4 GB में स्ट्रक्चर वाले सॉफ्टवेयर चल जाएंगे, रेविट थोड़ा स्लो चलता है। अगर उसमें 4 GB एक्स्ट्रा डलवा दोगे तो काम हो जाएगा, 4 GB 1500 रुपये का रैम आता है, मेरा सेशन रहेगा उसमें डलवा देना। सर कोई ग्राफिक्स का रिक्वायरमेंट रहेगा क्या सिस्टम में? रैबिट के टाइम पे रहेगा, बाकी सब तो चल जाएंगे, ठीक है, मतलब स्टेट प्रो ईटीएफ जो मेन पोर्शन है वो तो चल जाएगा, बट अच्छा रहेगा कि 4th महीने तक जो लास्ट सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए अगर कोई सिस्टम कर लोगे तो बेटर रहेगा, मतलब ग्राफिक्स वगैरह के साथ है। जी सर, ठीक है, चलेगा। अब्दुल कुछ डाउट है जो मैं नहीं बता पाया, भूल गया तो? हाँ गजा बोलो सर। स्ट्रक्चर मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर दोनों भी सिखा देगा? हाँ दोनों सिखा देते हैं स्ट्रक्चर के बैच में। हाँ
इसलिए सिखा देते हैं आकांक्षा, जिससे कि कल को मान लो आपको अपना कंपनी खोलना हुआ, ठीक है, तो उस समय पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं मॉडलिंग क्लाइंट को नहीं दे पा रहा हूँ, दे पा रही हूँ ना, तो इसलिए सिखा देते हैं, ओके क्योंकि स्ट्रक्चर्स का एक और एम है मेरा, ऑल इन वन। हाँ बोलो बोलो। तो मुझे कंफ्यूजन है कि बीएम के बैच ज्वाइन करूँ या स्ट्रक्चर की, अच्छा, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है सर, सेम कंफ्यूजन। ओके ठीक है, मेरा भी क्वेश्चन था। ओके हाँ खान बता दो, तो फिर उन लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूँ। सर मैक्सिमम जो सर देख रहा हूँ कि सर जो भी आपका वीडियो आ रहा है जॉब्स गाइड में, सर मैक्सिमम बीआईएम से रिलेटेड आ रहा है। नहीं तो अभी समझ में नहीं मैंने प्लान किया है एक एक हफ्ते का, एक हफ्ते मैंने सोचा है कि बीआईएम डालूंगा और एक हफ्ते स्ट्रक्चर, ऐसा डिफाइन कर दिया है। थोड़ा कंफ्यूजन है सर, थोड़ा उसको क्लियर कर दीजिए। चलो क्या मैं बताता हूँ, निजाकत अपना क्वेश्चन पूछ लो फिर बताता हूँ। यस, मेरा क्वेश्चन सर ये था, सपोज करिए मैंने आपका बैच ले लिया, ठीक है, करेक्ट, 4 मंथ का, उसके बाद जैसे मैंने अभी डिप्लोमा कर रखा है, करेक्ट, 2012 में किया था सिविल से डिप्लोमा, करेक्ट, ठीक है, तो इसमें स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में लास्ट में एक मोर चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है? मोहर। जैसे मोर चाहिए होती है, जैसे लास्ट वाली स्ट्रक्चर इंजीनियर जो एमटेक वाले लाइसेंस होल्डर जो होते हैं वो लगाते हैं, राइट। तो अभी मैं अगर अपनी फर्म खोलना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूँगा फिर? नहीं मैं आपको डिप्लोमा अगर आपको तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स की बैच में ऐड ही नहीं करूँगा। हाँ सर यही मेरा डाउट था कि मुझे बीम में जाना है या स्ट्रक्चर में, मेरा भी अभी वही कंफ्यूजन था। हम ऐड ही नहीं करेंगे, वो हमारे तरफ से ही रूल है, मिनिमम डिग्री चाहिए स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, तुम बोलोगे भी तो भी मैं नहीं रखूंगा। सही है सही है। वो सिर्फ उसको रखता हूँ जिसको सीखना है उस पर्सपेक्टिव से कि नॉलेज चाहिए, ठीक, वो एक अलग चीज है। मैं किसी भी डिग्री होल्डर को और डिप्लोमा होल्डर को स्ट्रक्चर्स की बैच में नहीं रखता हूँ। हाँ डिप्लोमा होल्डर के लिए सबसे बेस्ट होता है बीआईएम, उसमें मैं बहुत अच्छे से आपको रखूंगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ओके थैंक यू। चलिए आप पहले बता देते हैं कि कैसे चुनाव करें कि स्ट्रक्चर्स में जाना चाहिए या फिर बीआईएम में जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको दो सब्जेक्ट का चुनाव देता हूँ, अपने दिमाग में कर लो, दिल में कर लो, दो सब्जेक्ट हैं आपको पढ़ने के लिए। एक सब्जेक्ट है आरसीसी, ठीक है, एक सब्जेक्ट है आरसीसी, जिसमें आपको आरसीसी प्लस सोम दोनों मिक्स कर लेना। एक सब्जेक्ट है आरसीसी प्लस सोम और एक सब्जेक्ट है बीएमसी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। सीएम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं एक बस क्लियर कर दूँ उसके बाद तुम्हारा सुनता हूँ। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल एक सब्जेक्ट है और एक सब्जेक्ट है आरसीसी एंड सोम। आप कौन सा चूज करोगे आकांक्षा, आप बताओ। इन दोनों में से अगर पढ़ना है, मतलब एक पैकेज तो बता दिया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, दूसरा पैकेज है आपका सोम एंड आरसीसी, आप क्या चूज करोगे? आरसीसी और सोम सर। आरसीसी और सोम। अब आपका ये पक्का है 100% है कि आप चाहते हो मैथमेटिक्स टर्म आपको अच्छा लगता है, आपको स्ट्रक्चर्स में जाना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स का दूसरा नाम होता है मैथमेटिक डिजाइन, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तो मैथमेटिक्स है ना, ठीक है। तो जिसको भी क्रिएटिविटी नहीं पसंद है उनको बीआईएम में जाना चाहिए, जिसको मैथमेटिक्स पसंद है। ब्रेन हमेशा दो ही तरह का होता है, एक ब्रेन होता है जो मैथमेटिक्स टर्म में बहुत अच्छा होता है जैसा आपने बताया, एक एक टर्म होता है जो कि क्रिएटिव टर्म में बहुत अच्छा होता है। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको दोनों पसंद होता है, ठीक है। तो अब आपका ये क्लियर हो गया, शायद मौसी तुम्हारा भी क्लियर हो गया होगा। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल एक है और आरसीसी और सोम एक है, तुम चूज कर लो खुद से। अभी भी नहीं हुआ कि दोनों पसंद है क्या? सर कंफ्यूजन तो रह जाता है सर कि करना चाहेंगे तो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से जैसे सर हम तो आलम बात कर रहे हैं सर, वो तो अच्छा, आलम, हाँ, किए हुए थे। हाँ हाँ अच्छा आलम सर, तो पता है तुमको। अरे आलम तुम तो बड़े बोल्ड हाँ, स्टूडेंट हो तुम मेरे। सर क्या कीजिए सर, भटक गए हैं सर इधर उधर, ठीक है, दिक्कत में है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। आप देखो इसमें अगर देखो, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं जब जो एकदम से बीच में कंफ्यूजन में रहता है उसको मैं स्ट्रक्चर सजेस्ट करता हूँ। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि मैं इसके अंदर रैबिट आर्किटेक्चर और रैबिट स्ट्रक्चर दोनों करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्यों करवा देता हूँ? जिससे कि उसको अगर प्रॉब्लम हो इन फ्यूचर, उसको लगे कि नहीं सर मुझे बीआईएम में जाना है, तो बीआईएम की पहली जो सीट होती है, जो पहला स्टेप है, वहाँ पर ऑटोकैड और रैबिट आर्किटेक्चर रैबिट स्ट्रक्चर इतने की जरूरत होती है, तो मैं उतना पोर्सन में करा देता हूँ स्ट्रक्चर में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? ऑल इन वन। यस सर। ठीक है, तो इसलिए इतना टेंशन मत लो, ये मैं करा दूंगा। हेलो, ठीक है। हाँ शिवम, शिवम बोलो। सर एक्चुअली मैं अपनी फर्म खोलना चाहता हूँ, तो Correct. मुझे प्लानिंग आती है, हाँ मॉडलिंग आती है, Correct. मुझे मेन सीखना है कि कॉलम प्लेस कैसे करते हैं, उनका
स्ट्रक्चर कैसे बनाना है मतलब ऐसा आप राइट प्लेस पे हो, ठीक है। यहाँ तो इसमें क्या करना चाहिए मेरे को? स्ट्रक्चर्स जो मैं करा रहा हूँ ये इसी के लिए करा रहा हूँ। डिजाइन क्या है सर? मैं बीआईएम क्या है मैं बताता हूँ। बीआईएम जो आप कर रहे हो, ठीक है, उस आप उसका एक लेवल कर रहे हो, ठीक है। बीआईएम एक बहुत बड़ी, बीआईएम मतलब होता है जो ऑन साइट करोगे, शिवम ऑन साइट करते हो ना, अपने बिल्डिंग विल्डिंग बनवाते हो, करता हूँ हाँ, तो जो ऑन साइट करते हो उसी चीज को ऑन साइट करने से पहले लैपटॉप पे कर लेना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट कर लेना, उसी को बीआईएम बोलते हैं। तो पहले क्या करना चाहिए मेरे को? डिग्री मतलब कि तुम डिग्री हो कि डिप्लोमा हो पहले बताओ। हूँ, डिग्री हो। पास आउट ईयर क्या तुम्हारा? 19। 19। तुम्हें स्ट्रक्चर्स करना चाहिए, ठीक है। देखो अच्छा, मेरे पास तो दोनों है, ठीक है, आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मैं, क्या? हाँ बोलो बोलो। प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, मेरी अभी शादी है 1 मंथ से बाद, तो रेगुलर कर नहीं पाऊंगा मैं, तो मैं क्या करना चाहिए? नहीं तब मत करो, तब तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम ऑल इन वन का वीडियो कोर्स ले लो, ठीक है। ऑल इन वन अपना जो इसी कोर्स का वीडियो कोर्स है, ठीक है, उसको ले लो और पढ़ाई करो, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जो 80% नहीं देता मैं खुद ही उसको मना करता हूँ। हाँ एक्चुअली सर मुझे क्या है कि मेन तो अब मेरा ऑफिस खुल चुका है, खाली क्या है कि प्रॉब्लम मेरे को एक ही आ रही है, ये स्ट्रक्चर कैसे बनाऊं मैं खुद तुम से? ऑल इन वन ले लो, उसमें स्टैट प्रो वाला पोर्शन कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो मत करो, इसकी जरूरत नहीं तुमको है पढ़ने सर। की। में एक्स्ट्रा बाल लग सकते हैं क्या? लगते हैं क्या सॉरी, प्रो में एक्स्ट्रा बाल लगते हैं क्या? एक्स्ट्रा बार? नहीं, एक्स्ट्रा बार हाँ से नहीं मतलब होता है, वो मतलब होता है एएसटी से। जैसे कि हमारे पास एएसटी आ गया 1000 mm², ठीक है। अच्छा अब तुमको क्या बोलते हैं, 1000 मतलब वो 1050 ले लो, 1050 mm² तुम्हारा स्टील दिखा दिया सॉफ्टवेयर ने, ठीक है। अच्छा तो अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर हम 16 mm का बार यूज करेंगे, ठीक है, तो 16 mm के एक बार जो होता है उसका जो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट होता है 201 mm² होता है। तो अच्छा 201 इंटू अगर हम सपोज कि क्या बोलते हैं 1000 mm² के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 4 बार अगर प्रोवाइड कर दे तो 2 × 8 मतलब 800 mm² हो जाएगा, अच्छा ठीक है। अब बचा 200 mm², तो 200 mm² के लिए अब पता होना चाहिए कि 12 mm का जो एक बार होता है उसका जो एरिया फ्रेंड जो मतलब एरिया होता है, वो एरिया होता है 133 mm². सो अच्छा 133 दूना हमने कर दिया प्रोवाइड, ठीक है। तो अब जब जोड़ लिया, मान लो रैंडम कि 1020 mm² टोटल बार आया, कितना? 1020, ठीक ठीक है। अब बच कितना गया? 30 mm² बच गया ना। अच्छा अब 30 mm² के लिए एक्स्ट्रा बार मतलब कि पूरा कॉलम प्रोवाइड करने से अच्छा एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड कर दिया, हाँ ठीक है। वहां प्रोवाइड एक्स्ट्रा बार मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग घरों में क्या करते हैं, जैसे कि मिठाई के देखो, जब के मिठाई के डिब्बा होता है उसमें जो मिठाई रखते हैं तो बीच में कभी कोई जगह बच जाता है ना, हाँ तो तो डाल देते मिठाई हैं, वाला क्या करता है, काट के उसको सेट कर देता है ना, हाँ वही तो एक्स्ट्रा बार है, हाँ ठीक है। और ऐसे ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ही आपकी पूरी स्टडी होगी और पूरी गुरुकुल में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। और किसी कुछ डाउट है पूछो, कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी करियर के बारे में समझ सकते हो, मैं आप ही के लिए आया हूँ। अब्दुल बीआईएम में क्या क्या कवर करेंगे? अच्छा, बीआईएम का अभी जस्ट 9 बजे से सेशन है, लिंक मैं तुमको भेज दूंगा, आ जाना उसमें तो मजा आएगा, ठीक है। जिनमें बीआईएम, ओके ठीक, जैसे अपन 8 बजे स्ट्रक्चर का कर रहे हैं, 9 बजे बीआईएम का है, मैं लिंक भेज दूंगा, ठीक है। क्या है सर? सर क्या है, क्या है सर, सेमिनार है क्या कुछ? जैसे अभी अपना सेमिनार स्ट्रक्चर का हो रहा है, ऐसा ही बीआईएम का 9 बजे से है, अच्छा ठीक है। और कितनी है सर इसकी फीस? कितनी है? सबकी फीस सेम ही है ब्रदर। वीडियो कोर्स जो आप करते हैं उसका 6000 रहता है, और जो क्या बोलते हैं ये 4 महीने का पूरा गुरुकुल का लाइक वीडियो कोर्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट स्टडी मटेरियल के साथ ये 20000 होता है इसका फी। मैं स्ट्रक्चर सीख जाऊंगा ना पूरा सर, मतलब पूरा सीख आज जाओगे, पूरा सीख जाओगे। बस हाँ ये जरूर रहेगा कि हो सकता है कि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आए। रीजन रीजन ये होता है कि स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जिसमें बार बार सीखना पड़ता है, बार बार डेली आपको दिखाना पड़ता है करके, है ना। तो हाँ बिल्कुल, डेली 2 घंटे भी देते मेरे को आ हाँ, जाता अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी बना लेंगे, एक लड़का है अस्फाक करके है, अभी उसका जस्ट पॉडकास्ट डाला हुआ है, उसने वीडियो कोर्स से स्टडी कर लिया, ठीक है, लेकिन ऐसा करना बड़ा टफ होता है, ठीक है। तो कर सकते हो, अगर उसमें तुम्हारी वो कर रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग कर लेना चाहिए। और है अगर आपके पास 5 घंटे नहीं है तो बिलीव सर। करो गुरुकुल का लाइव बैच ज्वाइन करना बेवकूफ़ी होगी, सिर्फ आपका वेस्ट ऑफ मनी होगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर सीधे सीधे सब काम करके आएंगे, तुम नहीं करके आओगे तुम डिप्रेस हो जाओगे। टाइम तो है पर एक्चुअली क्या है सर, शादी हाँ वाला नहीं एक वही बोला हूँ बार। तुमको, शादी के पहले बधाई हो ढेर सारी। कहाँ से हो तुम? मैं हूँ सर एमपी इंदौर। इंदौर में कहाँ से हो?
इंदौर में सर एमपी गांव है 150 किलोमीटर वहां से, अरे बताओ तो मुझे, तो बताओ, सिंधवा, खरगोन, खरगोन। हाँ खरगोन, खरगोन सिंधवा के पास ही तो है हाँ ना, खंगा पता है मुझे। ठीक है तो चलो अच्छा है, और क्या बोलते, लेकिन बुला तो लो यार, कब से बेइज्जती कर रहा तुम बहुत मजाक ज्यादा बुरा हुआ है। हाँ कर रहा हूँ, चलो थैंक यू, कोशिश करूंगा मैं। चलो किसी और को कोई सर, कुछ, हाँ सर बोलो, एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन हाँ सर, बोलो, हाँ आउट बोलो, आउट ऑफ द सिलेबस है हम लोगों हाँ का हाँ पूछ लो पूछ सर। लो, सर अभी सर ट्रेंड चल रहा है पूरा सर आईटी सेक्टर का, हाँ ठीक है, जैसे कि करेक्ट सिविल में देखा जा रहा है कि साइट में ज्यादा ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो जनरली लोग जो आईटी सेक्टर में स्विच करना, क्योंकि अभी आईटी में स्टार्टिंग पैकेज कम से कम 5 लाख का तो मिल जाता है, करेक्ट 2 महीना 3 महीना अगर उसमें कोर्स करेंगे तो आराम करेक्ट से आईटी में 5 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो करेक्ट सर हम आईटी में क्यों नहीं स्विच करें, इसमें स्ट्रक्चर या बीआईएम में ही क्यों रहे, थोड़ा ठीक है, सा अब ये इसको, क्योंकि बताओ बहुत तुम, बड़ा सवाल ठीक, है सर ये। हाँ नहीं बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा है, मैं एक मिनट में क्लियर कर देता हूँ। दो तरह के कॉलम होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग कॉलम, सुना है क्या फ्लोटिंग कॉलम? फ्लोटिंग नो सर कॉलम नहीं पता? ओके ठीक है मैं बताता हूँ, एक होता है फ्लोटिंग कॉलम और एक होता है कॉलम जो कि आपका फाउंडेशन से स्टार्ट होता है और थ्रू आउट द बिल्डिंग जाता है, ये तो पता ही है। यस सर ठीक है, जो फ्लोटिंग कॉलम क्या होता है, वो कॉलम जिसके नीचे फुटिंग नहीं होती, जैसे बीच में कहीं पर जरूरत है तो वहां पर जस्ट एक कॉलम लगा दिया, उसको यस बोलते सर हैं वो फ्लोटिंग, ट्रांसफर स्लैब में जो निकाला हाँ जाता है वहां से। हाँ तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग कॉलम। अब बताओ कि दोनों में से मजबूत कौन होगा? सर वो तो जो जिसमें फाउंडेशन रहेगा, ठीक है, बस अब तुम खुद ही आंसर दे दिए। ठीक है, जब आप किसी बैकग्राउंड में जा रहे हो, आईटी के बैकग्राउंड में जा रहे हो, तो आप वहां पर केवल एक फ्लोटिंग कॉलम हो। ठीक है, अगर फुटिंग को मजबूती मिल गई, ठीक है, तो बिल्डिंग कहेगा इस फ्लोटिंग कॉलम को भगा दो, इसकी जरूरत मुझे है नहीं। ठीक है, यस सर फ्लोटिंग कॉलम को कैसे यूज किया जाता है, जस्ट लाइक कि ठीक है जरूरत है, तो जैसे नेता लोग चमचों के साथ करते हैं कुछ उसी तरीके से। यस सर ठीक है, नहीं जितना है सुजेत तो सर लगा कैसे दिया, काम हो गया होगा, निकाल दो। तो क्या होगा कि अभी देखो सुजेत कैसे सर होता है, सेफ पड़ेगा, किसी सेफ भी पड़ेगा। इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम के लिए थोड़ा सा बूस्टिंग होता है, कोविड के बाद आईटी में नो डाउट बूस्टिंग हुई है, लेकिन इसका एक और फैक्ट बताऊं उसको तैयारी कि को आज पकड़ा के टाइम में उसके सबसे ज्यादा आईटी में ही इंप्लॉय निकाले जा रहे हैं फिर से। रीजन क्या हो रहा पता है? रीजन ये है कि कहीं पर कैसे। भी जब इकट्ठे लोग जाने लगते हैं, अभी वो गुजरात वाला ब्रिज का देखा था क्या, यस वो सर क्यों टूटा? सर उसमें क्योंकि वो क्योंकि उसमें लोग ज्यादा आ गए उसके कैपेबिलिटी से। यस सर ठीक लोड है, ज्यादा उसमें जो है लाइव लोड ज्यादा हो गया। तो अब क्या हुआ, गया ना हो, ऐसे ही यस आपकी आईटी इंडस्ट्री है आज के टाइम में, थोड़ा सा लोग उसको लाइक दूसरों का पैकेज, पैकेज किसका देखने पता है क्या, जो आईटी का लड़का है उसका पैकेज देख के सिविल वाले सर से, एक एक दोस्त है सर सिविल वाला ही है सर, हाँ वो नॉर्मल स्टूडेंट था लेकिन सीधे 10 लाख का पैकेज मिल गया, करेक्ट है, और उसको उसको देख करके सर मन करता है कि स्विच कर जाए आईटी में। ठीक है। लेकिन अभी तुमको बताऊं, अभी मुझे सुबह ही मैसेज आया एक लड़के का जो कि आईटी में है, ही वॉन्ट टू चेंज इन स्ट्रक्चर्स, और पता है क्यों चेंज करना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे रिसेशन आ रहा है धीरे धीरे कटिंग होगी, और सबसे पहले कटिंग पता है किसकी होगी, जिसके नीचे फाउंडेशन नहीं होगा, मतलब फ्लोटिंग कॉलम की। यस सर और हर इंडस्ट्री में रिसेशन आना फिक्स है जब उधर सब लोग जाने लगे। ठीक है, और एक चीज बताओ, क्या जो जीडीपी है इंडिया की, उसमें 10% पार्टिसिपेंट अकेले रियल एस्टेट करता है, पता है कि नहीं ये चीज? यस सर वो तो है, ठीक है, इंडिया में बॉलीवुड क्रिकेट के बाद पैसा है तो वो कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में पैसा है। ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचना कि सिविल में पैसा नहीं है, बस सिविल में पैसा कमाने का टेक्निक अलग है। सर इसका स्कोप कैसा रहेगा सर, जैसे उस टाइम में जब हम किए थे सर उस टाइम में तो इतना ज्यादा नहीं सोचे थे, क्योंकि तभी अपीयरिंग में थे उतना ज्यादा मतलब नहीं सोच पा रहे थे, क्या पर मतलब इसका क्या स्कोप रहेगा सर, जैसे हम स्ट्रक्चर अभी कर ले रहे हैं उसके बाद फिर जॉब करेक्ट, रहेगा एमएनसी में, सब क्या मतलब पैकेज उकेज कितना तक रह जाएगा फिर भी स्टार्टिंग इनिशियल। ओके देखो, सबसे इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है, पैकेज जो होता है वो स्टार पैकेज कैसे डिपेंड करता है पता है क्या? पैकेज डिपेंड करता है टर्नओवर पे, कभी भी किसी कंपनी का पैकेज जो होता है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के टर्नओवर पे। ठीक है, कभी भी तुमने सुना नहीं होगा कि रिलायंस जियो में काम करने वाला बंदे का सैलरी 2,000 हो, कभी सुना है क्या? नहीं सर नहीं, क्यों? क्योंकि जियो का अपना एक रेपुटेशन है, उनका अपना एक टर्नओवर है, उसके अकॉर्डिंग उनको पैकेज ऑफर करना पड़ता है। तो अगर आप किसी एमएनसी के अंदर सिलेक्शन ले लेते हो तो 3.6 मिनिमम पैकेज होगा एमएनसी में। ठीक है, अब इसके बाद डिपेंड कर, तो तुम्हारे पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड में आवाज आ रही हो सके, उनको बोल थोड़ी थोड़ा सा रुक जाओ यार, क्योंकि अपन रिकॉर्ड हाँ कर रहे सर हैं। ठीक है, हाँ
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, देखो इसमें डिपेंड करता है, तुम्हारा 3.6 से अपना कैरियर स्टार्ट हो जाता है। अब तुम जितना कोड की स्टडी कर लोगे, इंडियन कोड, अमेरिकन कोड, ब्रिटिश कोड, जितना हाई लेवल पर चलते जाओगे, तुम्हारा पैकेज बूस्ट होता चला जाएगा। स्ट्रक्चर्स में काम करने का एक तरीका तो है पैकेज, नो डाउट। वो आपको धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा मिलता चला जाएगा। ये आईटी की तरह नहीं होता है। आईटी में क्या होता है, एक स्टार्टिंग पैकेज ज़्यादा मिलता है, और स्ट्रक्चर्स में जो होता है स्टार्टिंग पैकेज स्लो, ऐसे धीरे धीरे ग्रोथ करता है स्ट्रक्चर्स। क्योंकि स्ट्रक्चर्स में 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक नॉलेज ही तो, नॉलेज का तो है ना स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से। दूसरी चीज़ क्या होता है, स्ट्रक्चर इंजीनियर को पैसे अर्न करने के बहुत से तरीके होते हैं। ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, नो डाउट आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपने एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किया, ठीक है, मिनिमम प्रोजेक्ट का कॉस्ट 80 से 90 हज़ार रुपये होता है, 80 to 90 थाउजेंड रुपीज़ होता है एक फ्रीलांसिंग का। ठीक है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका माइंडसेट कैसा है, आप कितने स्मार्ट तरीके से उस काम को कर पाते हो। ठीक है, बहुत ढेर सारे ऐसे मेरे जैसे दोस्त हैं जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, और वो क्या करते हैं, वो किसी कंपनी में है और अच्छा खासा वहाँ पर 70-80 हज़ार रुपये का पैकेज ले रहे हैं मंथली। साथ ही साथ वो 2 से 3 लड़के रखे हुए हैं, अपने नाम पे प्रोजेक्ट ले रहे हैं, सिर्फ क्रॉस चेक करते हैं प्रोजेक्ट का, उसमें सामने मैं भी बैठा हूँ, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। मैं करवाता किससे हूँ, एक उन लड़कों से करवाता हूँ जो कि स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को, या फिर जिनके पास थोड़ा अच्छा नॉलेज है। करवाया, क्रॉस चेक किया, सबमिट कर दिया। एक प्रोजेक्ट का मिनिमम 70-80 हज़ार रुपये आपको यहाँ से मिलता है, और नो डाउट वहाँ से तो आपको मिल ही रहा है। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को पैसे कमी नहीं है, अगर वो टॉप ऑफ द मार्क है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है। सर 4 महीना सर अपना जी जान लगा के दे देंगे तो सर 6 महीना 7 महीना वेदा के बाद इस पोजीशन में पहुंच सकते हैं। 3 महीने में जॉब लग जाती है, 3 महीने में मैंने जो देखा हुआ है लोगों की जॉब लग जाती है। रीजन बताता हूँ, 3 महीना बहुत होता है। कभी भी लाइफ में तुम उन्हें कैलकुलेट करना, किसी ने भी बहुत रेयर लोग होंगे जो 3 महीना कंटिन्यू डेली किए होंगे काम। ठीक है, तो 3 महीना सफिशियंट होता है। मैं 1 महीना एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, सो दैट कि आपके अंदर एक वो रहे कि भाई 4 महीने का है, अभी तो अमन 3रे महीने पर है। ठीक है, तो 3 महीने में मैं आपको 100% सक्सेस के लिए तैयार कर दूंगा। कोई बिल्डिंग देखोगे, गारंटी मेरी है 80% अटेंडेंस आप देना, आप बोलोगे सर मैं डिज़ाइन कर दूंगा। ठीक है, और किसी कोई डाउट है तो पूछो। देखो डाउट आना चाहिए, क्योंकि डाउट आ रहा है इसका मतलब आपने फोकस किया, बट आपने प्रैक्टिकल चीज़ें देखी तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम लगा, तो आप उसके बारे में डिस्कस कर रहे हो, जैसे इन्होंने किया आईटी या फिर दूसरी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये आज के टाइम में कोई मेरे लिए नया क्वेश्चन नहीं है, मुझे तो दिन भर लोग पूछते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को है? थैंक यू सर, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे इस चीज को लेकर। ओके, नो इशू, यू कैन आस्क रघुनंदन। यस सर। ओके रघुनंदन सर, एक्चुअली मैं अभी सर बिलिंग इंजीनियर के रूप में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। करेक्ट सर, मेरा एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है। करेक्ट, मैं एमटेक कंप्लीट कर लिया सर, इस साल कंप्लीट हुआ। करेक्ट, तो सर मैं चाहता हूँ कि कैसे मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करियर शुरू करूँ। करेक्ट है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, जो मैं आपकी कैसे हेल्प करने वाला हूँ, मैं आपको 4 महीने का इंटर्नशिप दूंगा। तो इंटर्नशिप में ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन करा दूंगा, पूरी सीवी में आपका इंटर्नशिप भी भरवा दूंगा आधे पेज में। ठीक है, कैसे, मैं आपको IS कोड का नॉलेज दे दिया, विंड लोड, सेस्मिक लोड का नॉलेज दे दिया, सीयर वॉल का नॉलेज दे दिया, रिटेनिंग वॉल का नॉलेज दे दिया, और उसके बाद मैनुअल डिजाइनिंग, एक्सेल डिजाइनिंग का नॉलेज दे दिया। तो क्या होता है, मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपकी CV किसी के पास जाती है, वो देखता है कि ये स्ट्रक्चर्स में इंटर्नशिप सामने वाला कर रहा है। ठीक है, वो आपका नीचे का डाटा कम पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है, वो देखता है इन्होंने सीखा क्या लाइक अपने इंटर्नशिप पे। अगर आपने परफेक्टली सीखा हुआ है तो उसको देखते ही आपकी CV जो है वो शॉर्टलिस्ट हो जाती है स्ट्रक्चर्स के लिए। एक और चीज़ होता है, अभी तुम लोग को नहीं पता है, कंपनीज में जो MNCs होती है उनके पास कोई भी आपका रिज्यूम नहीं देखता है। वहाँ पर रिज्यूम ATS सॉफ्टवेयर से चेक किया जाता है। ATS क्या है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपकी CV को डाल दिया जाता है, तो आपके CV के कीवर्ड्स को चेक करके ये आइडिया लगाया जाता है कि आपकी CV स्ट्रक्चर्स के रिस्पेक्ट में कितना फिट आती है, उसकी रैंकिंग होती है। जैसे कि किसी का CV नंबर 1 टॉप पे है, क्यों, उसने ऐसे कीवर्ड्स लिखे हैं जो कंपनी को रिक्वायरमेंट है। किसी की टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, ऊपर के टॉप 10 लोगों की ही CV पर कॉल जाता है और उन्हीं को शॉर्टलिस्ट करा लिया जाता है। वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं आपकी CV को ऐसा कर दूंगा कि टॉप 10 में आपकी CV आनी फिक्स है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा होगा रघुनंदन, कि आपके बिलिंग की प्रोफाइल है तो हर जगह बिलिंग में सेलेक्ट हो रही होगी CV। जी जी सर। ठीक है, ये मैं दूर कर दूंगा, ये मेरा टेंशन है। कैसे सर, इसके लिए सर ये कोर्स परचेस करने के लिए सर हमें जॉब से क्विट करना पड़ेगा या फिर जॉब में रह के? जॉब में रह के ही कर सकते हो आप, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत पड़ेगा।
ठीक है, जॉब में रह के ही, इसीलिए इवनिंग में 7 बजे इसको क्लास रखा हुआ है, ठीक है, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रखा हुआ है। मॉर्निंग में क्यों नहीं रखा, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग जॉब में रहेंगे और मैक्सिमम लोग जॉब में ही है। जी सर, ठीक है, और किसी कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, ओके चलेगा। किसी को और कुछ भी क्वेश्चन था? हेलो सर, हाँ जी हाँ जी हाँ बोलो ना सर, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए एमटेक होना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सबसे बड़ा अपवाद है, कई लोग को नहीं पता होता इसके बारे में। डिग्री इज सफिशियंट फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिर्फ और सिर्फ एमटेक कहाँ पर लगता है, जब आप G+40 G+50 के जो डिजाइन करते हो, ठीक है, उनके लिए। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर, जो बीटेक करके आपने स्ट्रक्चर्स में 3 साल अपना जब करियर बना लिया, तो योर थ्री ईयर्स प्लस बीटेक इज इक्वल टू मास्टर्स, ठीक है, तो आप मास्टर्स के बराबर इक्विवेलेंट हो जाते हो, कोई नीड नहीं है, ठीक है। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, हैदराबाद में काम करती है, सी इज बीटेक होल्डर एंड सी इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, नॉट अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर, बिकॉज सी हैज अ 4 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, तो उसका बिल्कुल टेंशन मत लेना, डिग्री होल्डर कर सकता है, ठीक है, नो डाउट। लाइक देखो, मास्टर्स से क्या बेनिफिट होता है मैं बता देता हूँ। मास्टर्स से बेनिफिट ये माना जाता है, कंपनी मानती है कि इसको डायनेमिक एनालिसिस का अच्छा नॉलेज हो गया होगा, क्योंकि डायनेमिक एनालिसिस उसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट रहता है, वो डिग्री में नहीं है, ठीक है, तो उसके वजह, और डायनेमिक एनालिसिस किसके लिए होती है, हायर एज के लिए होती है, तो वहाँ पर एक प्लस पॉइंट होता है। लेकिन आज के टाइम में लोग क्या करते हैं, डायनेमिक का अगर अच्छा नॉलेज ले लिया, मैं डायनेमिक का आपको लगभग 250 पेज का कंटेंट पढ़ाऊंगा, लगभग 15 दिन तक मैं डायनेमिक एनालिसिस आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा इस 4 महीने में। उससे क्या होगा, आप एक बीटेक एक एमटेक में पता ही नहीं चलेगा फासला क्या है, आप देखोगे मॉक में दोनों ही सेम आंसर करेंगे, ये मेरा काम है। और किसी कोई डाउट है, किसी को ट्रेनिंग का मॉड्यूल नहीं समझ आया कुछ तो पूछ लो, कुछ लेट आए थे कुछ लोग, ठीक है, देखो मैं आपसे बार बार पूछ ले रहा हूँ जिससे आपका कोई डाउट ना रह जाए, फिर भी कोई डाउट रहा तो मुझे डीएम कर देना, ठीक है, जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं कॉल बैक करके बता। सर, पीवी स्ट्रक्चर का भी होगा क्या? करेक्ट, पीवी स्ट्रक्चर से एक अलग डोमेन है सरोज, ठीक है, पीवी स्ट्रक्चर्स में अगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको आरसीसी में ही जानना है, ये जो कोर्स है। नहीं सर, मैं मतलब स्ट्रक्चर तो मैं एसटी में एस्टीमेशन इंजीनियर में काम करता हूं। करेक्ट, तो ज्यादातर मेरी मतलब एस्टीमेशन ज्यादातर मेरे को इंडस्ट्रियल एरिया में ही करनी पड़ती है। ओके, तो ठीक है, अगर नहीं आ देखो ये कैसे होता है, पीवी एक अलग इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, जरूरी नहीं कि आपको स्ट्रक्चर्स में ही आरसीसी, क्योंकि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये मैं आरसीसी स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, पीवी की भी हम लोग बैच चलाते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है पीवी में वो लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, मतलब जानकारी कम है, समझ रहे हो, तो वो भी एक अच्छी इंडस्ट्री है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने उसके लिए आपको ऐप पर एक कोर्स दे रखा है, आपको जरूरत होगी तो उससे कर सकते हो। ये जो पर्टिकुलर 4 महीना है ये सिर्फ आरसीसी, क्योंकि आरसीसी को 4 महीने से पहले ख़त्म ही नहीं कर सकते हो। ओके, और मैं 4 महीना 5 घंटे डेली लेता हूँ, मतलब आप समझो कि महीने का 150 घंटे इंटू 4 कर दो, मतलब कि मैं 600 घंटे पढ़ाता हूँ, तब जाके आप एक स्ट्रक्चर इंजीनियर तैयार होते हो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, सर स्टील का डिजाइन के लिए फिर और एक कोर्स परचेस करना पड़ेगा या फिर इसी में ही कवर होगा? स्टील में क्या है, क्योंकि देखो स्टील बहुत बड़ा है, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि स्टील मतलब केवल एक सेट, तो सेट तो मैं डिजाइन करवा देता हूँ इसी में, लेकिन अगर स्टील में डीप में जाना है तो ये आपको हेल्प नहीं करने वाला है, क्योंकि स्टील का मैं बताऊँ स्टील के कोड अलग है, ठीक है, स्टील के कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, तो स्टील आपको अगर पढ़ना है, देखो स्टील बिल्डिंग पर डैम्पिंग रेशियो अलग है, स्टील बिल्डिंग पर अर्थक्वेक का इम्पैक्ट अलग है, स्टील बिल्डिंग का कनेक्शन अलग है, तो ये स्टील में आपको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। हाँ मैं पढ़ाता जरूर हूँ, क्योंकि लोग बोलते ना कि सर स्टेट प्रो में मैं एक इंस्टीट्यूट में गया था, वहाँ पर स्टील का वेयर हाउस किए थे, भाई मैं भी करके दे देता हूँ, एक टावर भी डिजाइन करके दे देता हूँ, बट आप स्टील में परफेक्ट नहीं बनेंगे इस प्रोग्राम से, ये प्रोग्राम आरसीसी के लिए स्पेशली है। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, मेरा आप सबके लिए एकदम क्लियर आंसर रहता है, सबको पता है, ठीक है, जैसा मैं आपको यूट्यूब पे बोलता हूँ वैसा ही मैं निजी ज़िंदगी में भी हूँ। आपके लिए जो चीज़ बेहतर नहीं होगी मेरे तरफ से कभी भी आपको उसके लिए गाइड नहीं किया जाएगा, नहीं आज तक कभी किसी को भी किया गया हो, ठीक है, तो जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वही बताता हूँ। किसी को कुछ और डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग नमस्ते लंदन होते हैं, फिर मुलाकात होगी जल्दी अगर वक्त मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, हाँ जी, मेरा एमटेक का पीजीसीडी था सर 19 को, अब मैं सोच रहा था कि एमटेक करूं या फिर सिर्फ इंटर्नशिप करके आगे। ओके, एमटेक आप कहां से करना चाह रहे हो? लोकल सर कलबुर्गी। ओके, या फिर
बैंगलोर से करूं या कलबुर्गी से करूं, वो भी है सर। देखो मेरे अकॉर्डिंग आज के टाइम का हिसाब से, जैसा आज का टाइम है इसके हिसाब से, अगर पर्टिकुलर आप एमटेक का बहाना लेके अगर 2 साल घर पे बैठ रहे हो, बुरा मत मानना, बट ये फैक्ट है कि आपकी एक गलती होगी। क्योंकि जी एमटेक का जो सिलेबस है इंडिया का, खासतौर से अगर मैं बोलूँ तो उसमें कोई लर्निंग नहीं है, यस सर, ठीक है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 साल उसका बहाना लेके बैठने से बेहतर है कि जॉब करते करते एमटेक कहीं से कर लेना, अच्छा, यस सर, ये सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि ब्रदर कैसे होगा कि आप 2 साल बाद पता नहीं, पता है क्या, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो जाएगी, अब उसके बाद तुम सोचोगे अब क्या करूं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग वो अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि जॉब करते करते एमटेक कर लो, इस साल पैसे नहीं है अगले साल डाल दो, ठीक है। क्योंकि देखो पैसे का, हमारे यहाँ कहावत होती है पैसे की माई पहाड़ चढ़ती है, ठीक है, इफ यू हैव मनी यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जॉब करते करते सीख लो, एमटेक कर लो, दैट इज गुड, ओके, ठीक है। नहीं होता करेस्पॉन्डेंस कर लो प्राइवेट में, जो होता है ना कि बस पेपर देने जाना है, यू कैन डू दैट। क्योंकि देखो कंपनी कभी ये नहीं पूछती कि आपने प्राइवेट किया है कि रेगुलर किया है, उसको इससे फर्क ही नहीं, नॉलेज से फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, बात बोलते हैं कि सर अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है तो वैल्यू नहीं रहेगी वगैरह, कौन बोलता है, बहुत फ्रेंड्स बहुत सारे बोल रहे थे करना है तो अच्छे कॉलेज से करो नहीं तो मत करो, ऐसा बोल रहे थे। उससे होगा क्या, अच्छे कॉलेज मतलब आईआईटी की बात कर रहे हो या फिर बैंगलोर के टॉप आरबीसी वगैरह, ऐसा अच्छे रैंकिंग ले, कोई मतलब नहीं है आपसे। अभी आप कौन से ईयर के पास आउट हो? अब 2022 सर। तुम तो अभी के पास आउट हो, तुम्हें नहीं पता इसके बारे में, जो भी ओल्ड एक्सपीरियंस, कोई किसी का 16 17 18 में पास आउट है क्या, कोई 16 अभी, कोई बता रहा था ना वो बिलिंग में जॉब करता है, शान तुम करते होगे ना बिलिंग में जॉब? जी सर मैं कर रहा हूं। हां रघुनंदन कर रहे हैं। रघुनंदन कभी तुमसे किसी ने पूछा कि किस कॉलेज से किए हो? नहीं सर वो मैटर नहीं करता है, मैटर नॉलेज ही करता है, नॉलेज करता है जी, ठीक है। आंसर मिल गया, यस सर, ठीक है। कभी भी मेरे से नहीं पूछा गया है कि आप किस कॉलेज से हो, बिलीव करो मुझे, अभी मैं एक डिग्री कर रहा था, प्रोफेशनल डिग्री थी, तो उसे मेरे से पूछा गया कि आपका डिग्री में परसेंटेज कितना था, मतलब कि पूरा ओवरऑल, तो मैं भूल चुका था, मैंने अपने घर पर कॉल करके नंबर मंगवाया, तो फिर मैंने कैलकुलेट करके उनको आंसर दिया, नो वन इज गोइंग टू आस्क एनीथिंग, यस सर, ठीक है, नॉलेज मैटर्स, ठीक है। देखो हमें, देखो सीधे सीधे बात बताऊँ, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से समझो, मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, ठीक है, तो मैं ऐसा बंदा देखूंगा जो मेरे धंधा को संभाल सके ना, जो मेरे डिजाइन को कर सके ना, ठीक है, ना कि मैं ये देखूंगा कि अच्छा तुम कौन सी दुकान से आए हो, फर्क नहीं पड़ता, स्वाद कैसा है ये फर्क पड़ता है जी, ठीक है। तो ये चीज रखता है, थैंक, ओके, हाँ जी हेलो सर, हाँ अब्दुल बोलो। हाँ सर, जो अभी इससे पहले जो स्टूडेंट क्वेश्चन करे वो मेरा भी वही क्वेश्चन था, हाँ कि सर ये बीम कोर्स कर लेते हुए और वो बीम कोर्स करने के बाद जो सब एमएमसी में अपने को जॉब मिल गई तो साइड में ऐसा एमटेक भी स्ट्रक्चर्स में कर लेने का वो है सर? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं कॉलेज में भी बात कर लिया कि खाली एग्जाम्स लिखने जा रहा हूं बोल के, तो अपने को एमएनसीज में ऐसे लीव्स मिल सकते हैं ना, मतलब रहता है एग्जाम के टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाता है, एग्जाम के टाइम पे नहीं तो कैसा होता है, एमएनसीज में क्राइटेरिया होता है 22 छुट्टियां होती हैं, ठीक है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम पे मत यूज करो, ऐसे टाइम पे यूज करो जिस टाइम पे आपका पेपर है, ठीक है, तो जिस टाइम आपका पेपर है उस टाइम आप लीव ले सकते हो। आपको बताना नहीं है कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, नहीं तो लेंगे भी नहीं आपको, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मास्टर्स के टाइम पे छुट्टी ले लेना है, ठीक है। तो सर ऐसा एमएनसी में अपन जिस भी कंपनी में ज्वाइन हुए तो वहां पर बोलना क्या मैं एमटेक भी कर रहा हूं या नहीं, तो फिर डायरेक्टली ज्वाइन हो जाऊं? नहीं कभी नहीं बोलना, अगर ऐसा बोलोगे तो इसका मतलब यह है कि आप फोकस रहोगे अपने मास्टर्स पे ना कि हमारे कंपनी पे, कंपनी को सिर्फ अपने काम से मतलब है, ठीक है, कंपनी आपसे नहीं बोलेगी बिल्कुल। अपन तो ये साइड में एमटेक भी निकाल लेना बोले था, कलर बोले, करेक्ट, ठीक है। सर यहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद एमएनसीज में डायरेक्ट जॉब लगेगी या फिर पहले किसी अदर कंपनी में करके तब 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेके फिर एमएनसी में? मैं किसी को कोई भी जॉब नहीं दिलाता हूँ ब्रदर, ठीक है, मेरा काम क्या है, मेरा काम आपको स्ट्रक्चर्स के लिए ट्रेंड करना है। वो तो ठीक है सर, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। जैसे कि एमएनसीज में जाना हो, ऐसा हो सकता है कि यहाँ से इंटर्नशिप करने के बाद फिर एमएनसीज में डायरेक्ट पहुंच गए, या फिर ऐसा होता है कि 1-2 साल किसी अदर कंपनी में, छोटे मोटे कंपनी में करने के बाद तब जाना पड़ेगा एमएनसी में? बिल्कुल नहीं, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप 100% आलम जा सकते हो किसी भी लाइक एमएनसीज में, कम्युनिकेशन अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो कोई क्यों नहीं रखेगा,
ठीक है। इवन एमएनसी में ज्यादा चांस रहेगा, वहां पर ज्यादा सैलरी भी ऑफर होगी आपको। ओके सर, ठीक है। चलो अभी मुझे बीआईएम के उसमें जाना है ग्रुप में, अगर आप लोग को उसको भी अटेंड करना है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ लिंक बीआईएम के लिए, आपकी इंक्वायरी करना हो तो आप भी आ सकते हो, ठीक है। 9 बजे डॉट चलेगा, और कोई डाउट रहेगा तो बीच में एक आध दिन और सेशन करेंगे। किसी को भी ये रहेगा कि नहीं सर मैंने फिक्स कर लिया मुझे स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है, तो एक जेन्युइन इंसान की तरह से, एक बड़े भाई की तरह से आपको बोल सकता हूँ कि आप आओगे तो निराश नहीं होगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 100% यही सोचूंगा कि अपने छोटे भाई की तरह आपको ट्रेंड करता हूँ, सबको ही करता हूँ, कोई आप स्पेशल नहीं, ठीक है। सबके लिए मैं अपनी जी जान लगाता हूँ, क्योंकि दिस इज माई वर्कशिप, और वर्कशिप सब कुछ होता है, ठीक है। तो आप सोच लो, समझ लो, उसके बाद मुझे डीएम कर लेना जिसका जैसा रहेगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने भी वक्त दिया, और मुझे, मैंने खुद को भी थैंक यू बोलता हूँ क्योंकि मैंने भी वक्त निकाला। थैंक यू सर। सर ऐड कर, थैंक यू सो मच लेना सर कोर्स वो। थैंक यू सर, मुझे डीएम कर देना जिसको भी कोर्स वगैरह लेना है, मुझे जस्ट डीएम कर देना, ठीक है। ओके सर, चलेगा। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।